गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शालू और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप आप सभी भी अच्छे होंगे। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगी सेब के बगीचे में, क्योंकि ये महीना सेब की फ्लावरिंग का महीना है, तो सेब के बगीचे में बहुत सारे फूल आए हैं। तो मैं आपको वही सेब का बगीचा दिखाऊंगी कि किस तरह से पूरी फ्लावरिंग हुई है और बहुत सारे फूल आए हैं और किस तरह से उनको, फूलों को प्रोटेक्ट किया जाता है और किस तरह से उस फूल का जो है वो सेब का फल बनता है। तो अभी तो मैं घर पे हूँ, तो थोड़ी देर में बगीचे में जाऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। मेरी आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। और शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो मैं बगीचे को आ रही थी तो मम्मी ने बोला कि गोबर का किल्टा भरा है, उसको भी बगीचे को ले जा। तो ये गोबर का किल्टा है, ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब ठीक ही है। तो हमारे यहाँ पर जब गोबर निकालते हैं गौशाला से तो वहीं पर इकट्ठा नहीं करते हैं, उसको रोज़ का रोज़ भर के ऐसे किल्टे में बगीचे में या खेत में छोड़ के आते हैं। तो जैसे गौशाला के सामने इकट्ठा करेंगे, फिर जब वो सड़ जाएगा फिर बाद में उसको ढोएंगे बगीचे को, खेत को, फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है और जो ढोने वाले होते हैं वो पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसलिए हम ऐसे करते हैं कि रोज़ का रोज़ गोबर निकाल देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा में भर के फिर लेके आते हैं, फिर बगीचे में और खेत में ढेर लगा देते हैं। फिर जब वो सड़ जाता है फिर उसको यूज़ कर लेते हैं, फिर ऐसे टाइम भी बच जाता है और सारा काम आसानी से भी हो जाता है। तो अभी बगीचे में पहुंच गई हूँ और यहाँ पर जैसे हमने गोबर का ढेर लगाया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा वो गोबर का ढेर जो हम रोज़ लेके आते हैं उस किल्टे में भर के ताज़ा गोबर, और यहाँ पर ढेर लगा देते हैं। और बाद में जब ये सड़ जाता है गोबर, उसके बाद यहीं से निकाल के थोड़ा थोड़ा फिर इस तरह से सेब के पेड़ में डाल देते हैं चारों तरफ से। तो इस तरह से गोबर लेके आते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, टाइम भी बच जाता है। और गौशाला में जैसे गोबर का ढेर लगाओ तो गंदगी वगैरह फैलती है, तो वो भी नहीं फैलती। तो हम रोज़ लेके आते हैं गोबर और यहीं ढेर लगा देते हैं। बाकी एक ढेर हमने खेतों में भी लगा रखा है, फिर वहीं से जब वो सड़ जाता है तो हम वहीं से फेंक देते हैं खेतों में, तो इतना टाइम बच जाता है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सेब के बगीचे की फ्लावरिंग की किस तरह से हुई है और किस तरह से हम उन फूलों को प्रोटेक्ट करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. इस तरह के है ये सेब के फूल जो कि इतने सुंदर सुंदर लगते हैं, और इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ बैठी है
जो कि एक फूल का रस दूसरे फूलों में लेके जाती है। तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, सुंदर सुंदर से छोटू छोटू फूल। और ये देखो मधुमक्खी किस तरह से अपना काम कर रही है, सारा फूलों का रस निकाल के फिर दूसरे फूलों में जाके बैठ जाती है। तो सबसे पहले जो फूल आता है वो कुछ इस तरह का आता है, उसके बाद फिर वो फूल पूरी तरह से इस तरह से खुल जाता है ऐसे वाइट कलर में। उसके बाद इससे फूल झड़ जाते हैं, फिर फूल झड़ जाते हैं तो उसका इस तरह का एप्पल बन जाता है। ये देखो छोटा सेब दिख रहा है आपको, ये इससे जो है वो चारों तरफ से फूल जो है वो झड़ चुके हैं, तो ये सेब है। अभी बड़ा बड़ा होगा, कितना मतलब लॉन्ग प्रोसेस होता है एक सेब बनने में। पहले बिल्कुल ये टहनियाँ सी होती है ऐसे, उसके बाद से ये रेड रेड कलर का फूल निकलता है, फिर ये इस तरह से खुलता है और फिर एंड में जाके उसमें इस तरह का सेब बनता है। और देखने में तो कितने अच्छे लगते हैं ये वाइट वाइट कलर के, तो चारों तरफ पूरा वाइट वाइट ही हुआ है इस समय इस वक्त। कितना सुंदर लग रहा है। तो ये रहा मेरे सामने बड़ा सा सेब का बगीचा जो कि इस तरह का दिखता है, और इस तरफ भी है वहाँ तक नीचे तक। और जो आप ये देख रहे हो इसके ऊपर जालियाँ सी, ये लंबी सी, ये यहाँ से लगाई गई है वहाँ तक, ये लगाई गई है ओलों से इन फूलों को बचाने के लिए, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई बहुत बारिश होती है, हैवी बारिश होती है और बहुत ओले भी गिरते हैं, तो उन ओलों से बचाने के लिए इन सॉफ्ट सॉफ्ट फूलों को ये जाली बचाती है। तो ये नेट जो है इसको कुछ इस तरह से बांध देते हैं, जैसे इस नेट को बांधा है यहाँ पर इस तरह से, और बीच में इसको हाइट देने के लिए ये लगा रखे हैं इसमें सपोर्ट, ऊपर ऊंची सपोर्ट, ताकि ये फूल जो है वो ओलों से अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हो सके। तो इस पूरे बगीचे में मधुमक्खी के बॉक्सेस भी रखे गए हैं, ताकि वो मधुमक्खी एक फूल से अपना रस दूसरे फूल में लेके जाए। तो अभी मुझे वो बॉक्सेस दिख नहीं रहे कहीं, आगे जाके दिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी अभी फ्लावरिंग थोड़ी कम कम है, बाकी हो रही है। आपको सेब का बगीचा घूम के अच्छा लग रहा है, कमेंट में बताना कि आपको सेब का बगीचा घूम के कैसा लग रहा है, और वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। आगे आप ये देख रहे हो बहुत सारे ड्रम भर रहे हैं, ये स्प्रे करने के लिए भरे, इसमें पानी स्टोर करके रखते हैं फिर स्प्रे करते हैं इससे। तो ये है बगीचा, और ये यहाँ पर बड़ा सा खड्डा खोदा गया है उसी के लिए, गोबर के लिए, ताज़ा गोबर इसमें भरते हैं, फिर जब सड़ जाता है फिर इन इस बगीचे में डाल देते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे ये सारे फूल झड़ जाएंगे, और लास्ट में इसमें छोटू सा सेब बच जाएगा जो कि बाद में बड़ा भी हो जाएगा। तो इसमें लास्ट में एक छोटा सा सेब बच जाएगा, फिर बाद में वो कैसे कैसे बड़ा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आपके यहाँ पर तो घास भी कितनी बड़ी बड़ी होगी होंगी, हमारे यहाँ पर तो अभी घास भी छोटी छोटी उगी है। ये देखो कितनी छोटी छोटी घास है अभी चारों तरफ, तो बीच बीच में तो कहीं कहीं अभी बहुत ही सूखा है, तो अभी थोड़ी थोड़ी घास लगी है हल्की हल्की। और
यहाँ पर और एक पेड़ है जहाँ पर सेब जल्दी लग जाते हैं, मतलब वो जो ये असली सेब होते हैं रॉयल सेब होते हैं जो उससे पहले लग जाते हैं, मतलब कि जून या जुलाई में। तो वाला पेड़ भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी नीचे उतर के। तो ये रहा वो पेड़ जिसके सेब जल्दी तैयार हो जाते हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में शाड़ू एप्पल बोलते हैं, शाड़ू सेब। तो इसके सेब देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं वो, और सेब के मुकाबले काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। एक जो है वो जैसे पूरा गुच्छा है, तो इसमें कितने सेब लगे हैं, 5-5, 6-6 सेब लगते हैं एक गुच्छे में इस तरह से। इधर भी कितने सारे सेब लगे हैं इसमें, इसके फूल देखो कैसे सूख गए हैं, अभी सारे फूल झड़ जाएंगे इस तरह ऐसे। तो ये तो रहा आज का फ्लावर वाला ब्लॉग, तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और नाचते रहे गाते रहे। तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us,